क्षेत्ररक्षण तुरंत सजाना है जय बजरंग गोरसे के कैप्टन। बिस्मा कम्युनिकेशन की जानिब से रिस्ट वॉच यहाँ पर आई हुई है, हाथ की घड़ी हैट्रिक सिक्स के लिए, बड़ी खूबसूरत और प्यारी घड़ी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्स लगाता है तो बिस्मा कम्युनिकेशन की जानिब से रिस्ट वॉच, या कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकटे लेता है तो बिस्मा कम्युनिकेशन के मेराज पटेल और फराज पटेल इनकी जानिब से रिस्ट वॉच इनाम रखा गया है, तो हर खिलाड़ी इसका फायदा उठाए। तो जय बजरंग गोरसई अभी भी अंदर है और दत्तक कृपा गोरसई टूर्नामेंट से बाहर हो गई है हार कर, और माइक्रोफोन पर आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर नबील दिवकर। थैंक यू अजय गहलोत, पहला और लेकर आ रहे गेंदबाज हरेश स्ट्राइक पर है, बिंदास और नॉन स्ट्राइक पर है जयेश। पहली गेंद कलाइयों के सारे मोड़ दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दो रन पूरे किए बिंदास ने, इन दो रनों से अपना और अपने टीम का खाता खोला है बिंदास ने। थोड़ा सा जोखिम जरूर था स्ट्रोक में, लेकिन जब आप टेनिस क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं जोखिम तो उठाना ही होता है रन बनाने के लिए, ओवर्स की संख्या बहुत कम रहती है। बिंदास सामना करेंगे हरेश का, पिच पर उतरे थे, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लहराती हुई गेंद विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में, इसको रुका हुआ दो रनों पर। बिंदास सामना करेंगे हरेश का, हरेश वीआईपीएन से इस बार ड्राइव किया गेंद को, कवर्स में एक से ज्यादा कुछ भी नहीं बिंदास के लिए, तीन रनों पर पहुंचा स्कोर एनआर बोरपारा का। अगर अब ट्वेल्व मैन ने नाम सही नहीं बताया तो तीन रन का पेनल्टी। गोरसे स्पोर्ट्स को दो रनों की पेनल्टी दी गई है आपके ट्रैक सेम ना होने के कारण। स्कोर इस वक्त तीन रन, समय के मामले में दोनों टीमें सहयोग करें। पटकी हुई गेंद हुक कर दिया गेंद को इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप में, बढ़िया फील्डिंग, दो रन पूरे, इन दो रनों से स्कोर पांच रनों पर पहुंचा। और जो रनों की पेनल्टी है दो रनों की, वो हम इस ओवर के बाद ऐड करेंगे, दोनों टीमें इस बात को ध्यान में रखें।
जयेश सामना करेंगे। दरार गए ना लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। थोड़ा सा लेग स्टंप पर ही गेंदे करने का प्रयास हो रहा है, पहली गेंद से हम देख रहे हैं। पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आती है उनकी गेंदे। जयेश सामना करेंगे। बहुत बढ़िया गए ना लेग बिफोर की अपील, अंपायर तस से मस नहीं, लेग बाइस का इशारा, रन जरूर पूरा किया। इस एक रन से छह पर पहुंचा स्कोर, सात रनों पर पहुंचा स्कोर इन आर बोर्ड पारा का। अब स्ट्राइक पर आए हैं बिंदास। बेहतर गेंद थी इस बार, आगे रखा था काफी, लेंथ में परिवर्तन किया था। इसके बाद अगला मुकाबला बीसीसी बोरीवली और पारिवली के बीच, बीसीसी के कैप्टन आ चुके हैं। पारिवली के कैप्टन आपको तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आना है। इस बार तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर छोड़ दिया था बैट्समैन बिंदास ने, वाइट का इशारा अंपायर का। आठ रनों पर पहुंचा स्कोर इन आर बोर्ड पारा का। पूरी तरह से कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे गेंदबाज, कभी लेग स्टंप पर कर रहे तो कभी ऑफ स्टंप के बाहर। विकेट की दोनों तरफ जब गेंदबाजी करने का प्रयास होता है तो अतिरिक्त रन चले जाते हैं। पारिवली के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है, बीसीसी के कैप्टन आ चुके। इस बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बिंदास, बीटवे डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, स्कोर आठ रन, दो रन अब पेनल्टी के ऐड किए जा रहे, बढ़ता हुआ स्कोर दस पर पहुंचा। ट्रैक सेम ना होने के कारण दो रनों की पेनल्टी दी गई है गुरसई को। तो अब देखना है दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर दस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्कोर तो देखने में अच्छा नजर आ रहा है नबील, लेकिन बल्लेबाजों के जो बल्लेबाजी है उसमें ज्यादा आत्मविश्वास नजर नहीं आया था। बिंदास खासतौर पर काफी चकमा खा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, एक्स्ट्रा रन बहुत दिए पहली ओवर में गेंदबाज ने, लगातार हम देखे तो दो से तीन वाइड गेंदे किए उन्होंने इस ओवर में। बिल्कुल, दो वाइड गेंदे, एक लेग बाय के रूप में रन बना था, बल्कि बाई के रूप में बना था, और दो रन पेनल्टी के, यानी कि पांच रन तो अतिरिक्त के रूप में ही आए हैं। पावर प्ले भी अब समाप्त हो चुका है, कप्तान के पास आजादी है कि यहां से अब फील्ड खोल सकता है। सिर्फ दो ही फील्डर आपको सर्कल के अंदर रखने हैं नॉन पावर प्ले ओवर्स में, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है, बहुत बढ़िया, लेकिन फील्डर मौजूद थे, खड़ा फील्डिंग गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। शानदार शॉट, और ऐसे स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। एक अच्छा स्कोर यदि खड़ा करना है तो बीच बीच में बाउंड्रीज का आना बहुत जरूरी। ये देखिए, पहले ही मन बना लिया था, ज्यादा झुके भी नहीं, खड़े खड़े ही रिवर्स स्ट्रोक खेला था, वहां पर रोका जा सकता था निश्चित रूप से। शफी करजिगर, पापा कोतकर, इमरान मोमिन, हम्माद बादशाह खान, कैफ ठानवल और उनके साथी जो भी बैठे हुए सामने यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अमोल मुड़ते हुए तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया। उनसे बड़ा मेहरबानी, गुजारिश है कि वीआईपी डाइस पे आके बैठे पापा कोतकर, शफी करजिगर, इमरान मोमिन, हम्माद खान, कैफ ठानवल, बड़ा मेहरबानी वीआईपी डाइस पे आकर बैठे। अमोल मुड़ते हुए जयेश के लिए, इस बार गेंद का पीछा किया था, स्कोर कट करना चाहते थे, फिर एक बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बार वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में एक रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 16 पर पहुंचा। पहली गेंद पर क्या बाउंड्री लगी, विकेटों पर रखना ही नहीं चाहते, बहुत दूर रख रहे हैं,
इतना दूर रख रहे हैं कि अंपायर को भी थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है मैदान में। अब अपना एंगल चेंज करते हुए राउंड द विकेट जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार इनसाइड आउट खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ पर जा रही है, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और बिंदास अपने लंबे लंबे कदमों से अपने क्रीज में सुरक्षित। इन दो रनों से स्कोर 18 पर पहुंचा। बहुत लंबा ओवर साबित हो रहा है और अब एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है एनआर बोरपाड़ा के लिए। खराब गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइट। 19 पर पहुंचा स्कोर। कौन बदला उन्होंने, पहली गेंद कौन बदलने के बाद अच्छी रही थी लेकिन फिर से उसी लाइन पर आ गए। खराब गेंद, फिर एक बार वाइट। अब तक इस ओवर में उन्होंने 4 वाइड गेंदे किए, 4 एक्स्ट्रा रन दिए उन्होंने, काफी लंबा ओवर। अब तो हद ही हो गई नबील, देखिए कोई खिलाड़ी भी उनको आकर कुछ समझा नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी पहुंचे है उनके पास, कुछ ना कुछ कान मंत्र की आवश्यकता तो है ही इस समय, क्योंकि 4 वाइड गेंदे कर चुके हैं। दबाव में गेंदबाजी कर रहे हो मानो गेंदबाज जैसे। पहली गेंद पर जब रिवर्स स्ट्रोक लगाया था जयेश ने बहुत बढ़िया, उसके बाद से अब तक दिशाहीन गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। ये देखिए और एक वाइट, 5वां वाइट किया इस ओवर में। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और उसमें एक ओवर तो ज्यादा कर दिया है गेंदबाजों ने। पहले ओवर में भी 2 वाइट गेंदे की थी और इस ओवर में तो 5 वाइट गेंदे। स्कोर इस समय 21 रन बगैर किसी नुकसान के। खैर बल्लेबाजों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी अतिरिक्त रन आएंगे वो तो खुशी रहेंगे, क्योंकि रन बल्ले से बने या फिर अतिरिक्त के सौजन्य से सारे गिने जाएंगे। अमोल मुड़ते हुए स्पार्ट ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन फिर एक बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। अब एक ओवर उन्होंने वाइट का किया और 2 गेंदे बीच में डाली है, 8 गेंदे की अब तक अमोल ने। निराशा साफ झलक रही है अमोल के चेहरे पर। इस बार अच्छी गेंद खेल दिया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में, एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर 23 रनों पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, काफी लंबा ओवर इस वक्त था अमोल का। कुछ ज्यादा ही लंबा खींच लिया अपने ओवर को। वली आ रही है उसका तोहफा मानो दे रहे है विपक्षी टीम को। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉट थर्ड मैन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं बिंदास के लिए। इस बार विकेटों के पीछे खेलने में कामयाब रहे हैं फाइन लेग सीमारेखा पर फील्डर। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, अच्छा थ्रो पहुंचा था। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर में। स्कोर इस समय 25 रन बिना किसी नुकसान के। अब क्या किया जाए, कप्तान करे तो क्या करे।
107वीं वाइड गेंद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का जहां तक सवाल है, वनडे क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने 17 गेंदों का ओवर किया था। अंपायर ने अपना निर्णय बदला है, नो बॉल का इशारा कर रहे हैं। क्रीज के बाहर पिच हुई थी गेंद। फ्री हिट का पूरा लाभ, 6 रन। नेवर की शुरुआत पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन जयेश। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, इस समय स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा मौका है, छक्कों की हैट्रिक के लिए बिस्मा कम्युनिकेशन की ओर से रिस्ट वॉच दिया जा रहा है। गति परिवर्तन, फुल टॉस, हवा में गेंद चली गई है, मिस टाइम था और एक आसान सा कैच, विकेट गिरता हुआ पहला। एक अच्छी साझेदारी हुई दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के बीच में। 32 पे पहला विकेट गिरता हुआ एनआर बोरपाड़ा का। जयेश लौटते हुए पवेलियन की तरफ, न सिर्फ बल्लेबाजों के लिए अच्छा अवसर है बल्कि गेंदबाजों के लिए भी। यदि गेंदबाज भी हैट्रिक लेते हैं तो बिस्मा कम्युनिकेशन की ओर से मेराज पटेल और फराज पटेल जी की ओर से एक घड़ी दी जा रही है, बहुत ही खूबसूरत घड़ी। इस समय YouTube के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे ठाणे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सन्माननीय शशि पाटिल साहब, और उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी भेजी है मापोली ट्रॉफी 2016 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सन्माननीय शशि पाटिल जी। कई दर्शक इस समय YouTube के माध्यम से इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं, केबल टेलीकास्ट का भी मजा ले रहे हैं कई दर्शक, और ग्राउंड से भी बहुत से दर्शक इस समय मैच देख रहे हैं। लेकिन ग्राउंड से मैच देखने का मज़ा कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ का जो परिसर है मापोली का वो बहुत ही खूबसूरत है। जो दृश्य है ग्राउंड के इर्द गिर्द, जो पेड़ है, वो उस ग्राउंड की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। तबीयत खुश कर देने वाला यहाँ का नज़ारा है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था दूसरे दिन के खेल में। ये तीसरे दिन का खेल है, नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं एनआर बोरपाड़ा के लिए। इस बार बिंदास ने गेंद को स्वंग कर दिया है, 6 रन। ये बिंदास का शॉट है, बिंदास खेलते हैं, ताकत बहुत ज्यादा है इस खिलाड़ी के पास। कभी कभी मिस टाइम स्ट्रोक्स भी उनके बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। लंबे ऊंचे कद के, मजबूत कदकाठी के बैट्समैन है। सिटी क्रिकेट में भी एनआर बोरपाड़ा के लिए खेलते हैं और ग्रामीण क्रिकेट में भी एनआर बोरपाड़ा के लिए। उछलता हुआ स्कोर 38 रन एक विकेट के नुकसान पर। आज के जो मुकाबले हमने अभी तक देखे हैं, पहला मुकाबला रहा था जयदुर्गा डलोंडे और
ऋषि स्पोर्ट्स नांदिटने के बीच में, जिसमें नांदिटने टीम विजेता रही थी, एक तरफा मुकाबला उन्होंने जीता था। दूसरा मैच बहुत ही रोमांचक रहा था, अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और स्टार इलेवन तलौली के बीच में लो स्कोरिंग मुकाबला था, जिसमें अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम आखिरी गेंद पर जीती। तीसरे मैच में पावर शिलार ने सुपड़ा साफ किया दत्त कृपा गोरसई टीम का। इस बार फुल टॉस गेंद जमीनी रास्ते से खेला है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन के लिए दौड़ पड़े थे बैट्समैन और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। एनआर बोरपाड़ा का स्कोर इस समय 39 रन, केवल एक विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है और यहां से 50 के आगे जाने की कोशिश निश्चित रूप से रहेगी बल्लेबाजों की, जो कि काफी मुमकिन नजर आ रहा है। केतन की शॉट ऑफ लेंथ गेंद किनारा और आउट, अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। ये देखिए ऊपर लगी बल्ले के और विकेट कीपर और कप्तान हरीश ने कोई गलती नहीं की। हमारे बीच जनाब रहमान खोदकर साहब आ चुके हैं, उनसे निवेदन है आपको वीआईपी डाइस पर आकर विराजमान होना है, आपका हार्दिक स्वागत है मापोली ट्रॉफी 2016 में। हमारे बीच कारिवली के संदीप नाइक जी भी आ चुके हैं, साजन भी आ चुके हैं और साथ ही लवेश भी पहुंच चुके हैं। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है मापोली ट्रॉफी 2016 में। वीआईपी डाइस पर आपको आकर बैठना है, ऑल मापोली स्पोर्ट्स क्लब्स की जानिब से आप सभी का तहे दिल से स्वागत। इसे भी अगली गेंद लॉफ्ट किया है लेकिन फील्डर के पास, एक और अच्छा कैच, कैचिंग अच्छी देखने को मिल रही है और फील्डिंग भी और गेंदबाजी भी। आप रिप्ले में देख सकते हैं स्वंग किया था, एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं बन पाया और ना ही अंतर था उसमें, एक अच्छा रनिंग कैच। अगले मैच के टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा पारिवली के कैप्टन और बीसीसी बोरिवली के कैप्टन को। जैसे ही ये पारी समाप्त होगी एनआर बोरपाड़ा की, हम टॉस करेंगे पारिवली और बीसीसी बोरिवली के बीच में। खाता नहीं खोल पाए श्रियाल, रवि भी खाता नहीं खोल पाए थे, 9 रन बनाकर आउट हुए जयेश। बिंदास अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं 10 रन बनाकर। नए बल्लेबाज राकेश पहुंचे हैं क्रीज पर, स्ट्राइक है उनके पास। 3 ओवर की समाप्ति, 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस समय मिस्टर इमरान शाह जी ने अपने हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है इस टूर्नामेंट के लिए। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, लेग साइड में गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खाली क्षेत्र में, फील्डर काफी दूर से आए लॉन्ग ऑफ के और जब तक फील्ड करते तीसरे का प्रयास था लेकिन पहुंच नहीं पाए, रन आउट। तो मापोली ट्रॉफी 2016 के लिए और खासतौर पर अदनान भावे, शैलेश गायकवाड और शहजाद डॉन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है सम्माननीय इमरान शाह साहब ने, जो इस समय टेलीविजन पर मैच का मजा ले रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको ग्राउंड में आकर मैच का मजा लेना है, आपका स्वागत है। अचानक से खेल बदल गया है, एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेटें गिरती हुई। एक समय था कि 39 पर एक ही विकेट था लेकिन अब 3 लगातार विकेटें गिरी है, स्कोर 41 रन। केतन ने बढ़िया गेंदबाजी की, फुल टॉस गेंद बहुत ऊपर उठा दिया है फील्डर गेंद के नीचे और बिंदास भी आउट। ये जो विकेटें गिर रही है इससे कहीं ना कहीं पीछे जा सकती है एनआर बोरपाड़ा टीम,
और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण था विकेट निकालना, क्योंकि ये अच्छा जरिया होता है किसी भी टीम के लिए। यदि आपको रनों पर रोक लगानी है तो लगातार विकेट निकालिएगा। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है अब, 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर पारी का किया था केतन ने, केवल 7 रन खर्च किए और 3 सफलताएं अर्जित की। और अब राहुल भी गेंदबाजी अच्छी के नहीं होगी, पुलटॉस गेंदे जरूर कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं उठा रहे बैट्समैन। इस बार क्लीन बॉल, जबरदस्त गेंद, हैट्रिक का मौका अब रहेगा यहां से राहुल के पास। पांच गेंदों पर लगातार 5 विकेटें, ये क्रिकेट है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 39 पर कहा 1 विकेट था और अब कहा 41 पर 6 विकेटें। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर रही है। पारी का अंतिम ओवर इस समय प्रगति पर, अभी भी 3 गेंदे शेष है और यहां से अब 50 तक पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अतिरिक्त ऊर्जा का ऐसे में संचार हो जाता है खिलाड़ियों के अंदर जब गेंदबाज लगातार विकेट निकालते हैं। हैट्रिक का मौका है और हैट्रिक के लिए बिस्मा कम्युनिकेशन की ओर से मिराज पटेल साहब और फराज पटेल साहब की जो देन है रिस्ट वॉच दिया जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी गेंदबाज को मिल सकती है यदि हैट्रिक पूरी करते हैं तो। 5 गेंदों पर 5 विकेट जरूर गिरी है लेकिन उसमें अभी तक कोई गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए शायद। 1 रन पूरा किया है, फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी की ओर से। और एक चेतावनी भी गेंदबाज को कि इसके बाद यदि उन्होंने बीमर की थी की तो बॉलिंग से हटाया जाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फ्री हिट, रिवर्स स्वीप खेल दिया है गैप में, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमारेखा की तरफ, दूर से आए फील्डर जब तक उठाते सिर्फ 1 रन लेने का मौका बन पाया वहां पर बल्लेबाजों के पास, तो ज्यादा कोई लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज फ्री हिट का। फ्री हिट को खेला था बैट्समैन रजनी ने। इस बार गेंद को खेला है, विकेट कीपर से रुकी नहीं थी गेंद, विकेटों के पीछे खेलने का प्रयास था, किनारा भी लगा था बैट का और शायद एक कैच भी था, रिप्ले में देखना पड़ेगा। मुश्किल जरूर था क्योंकि डिप होकर आ रही थी विकेट कीपर की तरफ तरफ कैरी नहीं की थी शायद। फिर से देखते हैं, नजदीक से देखते हैं, जहां बल्ले पर लगी थी और थोड़ी दूर से भी जा रही थी और बहुत कठिन अवसर था। आखिरी गेंद ऑन साइड में उठाकर खेलने की कोशिश, जमीनी रास्ते से दूसरे का प्रयास हो रहा है, नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी गेंद पर भी विकेट गिरता हुआ, तो इस तरीके से पारी समाप्त हो चुकी है एनआर बोरपाड़ा की। 46 रन और जीतने के लिए 47 रनों की चुनौती उन्होंने रखी है जय बजरंग गोरसई के सामने, जो कि लक्ष्य पिछले मैच में भी हमने देखा था। तो 47 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में जीतने के लिए। इससे पहले कि पारी शुरू हो जय बजरंग गोरसई की, आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं पारिवली और बीसीसी बोरिवली।
इस समय पड़गा से मयूर छोस्टे ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी एनआर बोरपाड़ा टीम को इस मैच के लिए, जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस मैच का मजा ले रहे हैं। हमारे बीच सम्माननीय महेंद्र जी मौजूद है, जो कि ठाणे जिला के युवा अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं, तो आपको टॉस बॉक्स में आना है। तो मेरे साथ दोनों भी टीमों के कप्तान मौजूद है, शाहिद खान बीसीसी बोरीवली के कैप्टन, और दूसरी तरफ सतीश जो कि पारिवली स्पोर्ट्स पारिवली के कैप्टन है। वेलकम सर। माननीय महेंद्र पाटिल साहब की शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। हेड का कॉल दिया था लेकिन टेल आया है, तो टॉस जीता है इस समय पारिवली के कप्तान ने। धन्यवाद महेंद्र जी। सतीश, एक मजबूत संघ आपल्या समोर आहे, काय निर्णय? फिल्डिंग आहे ना निर्णय। आणि असे कुठले गोलंदाज आहेत आपल्याकडे की जे आपल्या संघासाठी चांगली गोलंदाजी करू शकतात या स्पर्धेमध्ये? आहेत आमच्याकडे गोलंदाज, जयेश माळी आहे, संजय लाखात आहे, अर्जुन विश्वनाथ आहे। बीसीसी बोरिवली संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा विचार आहे? 35-40 आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न आमचा राहील। आणि हे जे आयोजन आहे, शैलेश गायकवाड, आदनान भावे, शहजाद दोन यांनी जे आयोजन केलेलं आहे ऑल महापोली स्पोर्ट्स क्लबने, आपल्याला कसं वाटलं? खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे महापोली स्पोर्टने, आम्हाला या ग्राउंडवर खेळायला खूप चांगलं वाटेल। ऑल द बेस्ट आपल्या संघाला या सामन्यासाठी। शाहिद, आपसे तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आयोजन कैसा है, आपने कमेंट्री की है इस टूर्नामेंट में और आपके मुंह से हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ये बताएं कि टीम का जो मनोबल है वो इस समय कैसा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। काफ़ी यंग जो खिलाड़ी हमारे इसमें 5 से 6 अजय आप तो देख ही रहे इस साल, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं आप, चारों ओवर में क्या लगता है, कल बारिश भी हुई है, आज कौन सा स्कोर आपका हो सकता है जो आपको मैच जिता सकता है? इंशाल्लाह कोशिश तो ये रहेगी कि 40+ रन बनाए, क्योंकि 4 से 5 अच्छे बैट्समैन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सामने वाली टीम को दबाव में डालें। और गेंदबाजी के विकल्प हम देखें, 4 ओवर 4 गेंदबाज, कौन करेंगे गेंदबाजी? देखो गेंदबाज तो बहुत अच्छे हैं, माजिद है, आकिब शेख है, योगेश दुंदे है, अब्दुल अजीज़ है, 4 गेंदबाज तो है, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सभी अच्छी गेंदबाजी करें। और महापोली वासियों के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट इस वक्त आयोजित किया है अजय, और मेरी यही गुजारिश है उनसे कि हर साल इस तरह के करे रहते, इंशाल्लाह सपोर्ट हमारा भी रहेगा पूरा, और हर साल इस तरीके की कराते, क्योंकि पहली बार केबल टेलीकास्ट के साथ इस वक्त महापोली में मैच हो रहा है, और लगभग कई सालों से इस मैदान पर इस महापोली में पहली बार मैदान बहुत बढ़िया बनाया गया है, मैचेस हो रहे हैं अजय, और हम बहुत सालों से यहाँ पर खेल रहे, लगभग स्पर्धा इस महापोली में हमने जीती भी है, तो इंशाल्लाह यही कोशिश है मेरी कि महापोली वासियों से यही गुजारिश भी है कि हर साल स्पर्धा कराते रहे बड़ी, ताकि कई लोगों को खेलने का मौका मिले, ग्रामीण के भी टीमों को, सिटी के भी टीमों को, और इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट भी उनके साथ रहेगा। आखिरी सवाल, सिटी क्रिकेट में भी आप खेलते हैं, ग्रामीण क्रिकेट में भी खेलते हैं, क्या फ़र्क रहता है? कल सिटी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क है अजय, क्योंकि सिटी क्रिकेट में जहाँ पर हर
एरिया से प्लेयर्स खेलने के लिए आता है, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में जहाँ पर सिर्फ एक गांव के खिलाड़ी होते, दोनों में सबसे बड़ा फर्क तो ये है, एक गांव से खेलने का लेकिन मज़ा ज़्यादा रहता है सिटी क्रिकेट के बदौलत, क्योंकि जो गांव का कॉम्बिनेशन रहता है अपने खुद के बच्चों के साथ खेलने का, वो ज़्यादा बेटर रहता है सिटी क्रिकेट से। ऑल द बेस्ट शाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सो दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, पारिवली स्पोर्ट्स, पारिवली वन द टॉस एंड दे विल बोल फर्स्ट, बैक टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू अजय गरत। इस वक्त 47 रनों की चुनौती रखी है एनआर बोरपारा ने इस मैच को जीतने के लिए गोरसई को। दोनों ही ओपनर्स पिच पर, देखना है पहली ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है एनआर बोरपारा की ओर से। अगला मैच बीसीसी बोरीवली और पारिवली के बीच, जहां टॉस जीता है पारिवली स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सीरियल पहली गेंद लेकर बहुत बढ़िया गेंद, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे बीटवे डॉट गेंद, जगह बनाना चाहते थे, कवर्स की ओर खेलना चाहते थे बैट्समैन सूरज, नॉन स्ट्राइक पर है हरेश। सीरियल मुड़ते हुए इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से पंच किया, गेंद जा रही है कवर्स में, बढ़िया फील्डिंग, दो रन पूरे तीसरे के लिए जा रहे हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तीन रन पूरे। इस समय इस टूर्नामेंट का जो मज़ा है वो यूट्यूब के माध्यम से मेरे मित्र अरुण जाधव भी ले रहे हैं किरवली से। उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है महापाली ट्रॉफी 2016 को, और उनका कहना है कि बहुत ही शानदार टेलीकास्ट है। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। इस चौके की मदद से हरेश ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर 7 पर पहुंचा। इसके बाद अगला मुकाबला पारियोली और बीसीसी, उसके बाद कारीवली और खारबाव के बीच। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीटवे डॉट गेम, स्कोर रुका हुआ 7 रनों पर, पहली ओवर का खेल चल रहा है, 47 के लक्ष्य का पीछा करिए जय बजरंग गोरसई। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त हरेश, अब तक 2 चौके लगाए उन्होंने और स्कोर उछलता हुआ इस वक्त इस चौके की मदद से 11 रनों पर पहुंचा। पहली ओवर का खेल अभी भी जारी है, पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी और इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है, क्योंकि 47 रनों की चुनौती है। इस बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीटवे डॉट गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
तो जो तीन मुकाबले आज खेले गए उसमें से पहला मैच जीता था आज सुबह जयदुर्गा दलोंडे टीम ने, नंदीपनी टीम को उन्होंने मात दी थी। उस दूसरे मैच में अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम विजेता रही थी, स्टार इलेवन तलोली को उन्होंने हराया था। और तीसरे मैच में पावर शिलार टीम विजेता टीम रही दत्त कृपा गुरसई टीम के विरुद्ध। ये चौथा मैच आज का चल रहा है ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का, इस समय आप मजा ले रहे हैं। अब विश्वास पर विश्वास किया है कैप्टन ने और विश्वास के हाथ में गेंद दी है, देखना है किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज बाजुओं को खोलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, अपील जरूर की थी अंपायर तस्मस नहीं, गेंद लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास विकेटों के ऊपर से डॉट के रूप में। स्कोर रुका हुआ 11 रनों पर, 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है गुरसई विश्वास मुड़ते हुए। अच्छी गेंद विकेटों में आ रही थी, इनफील्ड के ऊपर से खेला है लॉन्ग ऑफ पर, बढ़िया फील्डिंग, दो रन पूरे। इन दो रनों से स्कोर 13 रनों पर पहुंचा, दूसरी ओवर का खेल जारी है, 47 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है गुरसई। आए हुए सभी दर्शकों का, सभी मान्यवर्स का और सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है पुरजोश खैर मकदम है महापोली ट्रॉफी 2016 में। इस बार स्वाग स्वीप किया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आसान सा कैच, पहला झटका और विश्वास ने विश्वास जताते हुए विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। वाह वाह, क्या नाम था फील्डर का, रजनीकांत, और कैसे कैच को अंजाम ना देते रजनीकांत, काफी मशहूर अदाकार है साउथ के, लेकिन ये वो रजनीकांत नहीं, लेकिन नाम में थोड़ा बहुत कुछ तो काम होता है। और अगर साउथ के रजनीकांत के बस में होता तो बाउंड्री लाइन के बाहर से भी कैच को लेकर अंदर आते। इस वक्त नए बैट्समैन योगेश जा रहे बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे हरेश, विश्वास मुड़ते हुए हरेश के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, पैरों के सामने से स्लॉग स्वीप किया था। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा, बार बॉलर बैक ड्राइव, बढ़िया गेंद लेकिन रन जरूर पूरा हुआ। इस एक रन से स्कोर 15 पर पहुंचा और तारीफ करनी होगी विश्वास की गेंदबाजी की, और कैप्टन ने जो विश्वास पे विश्वास किया था कि विश्वास रनों पर रोक लगाएंगे, उसी तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया और विकेट भी हासिल किए विश्वास ने। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में और आसान सा कैच शॉर्ट फाइन लेग पर, दूसरी सफलता और बड़ी विकेट हासिल हुई है विश्वास को इस वक्त हरेश के रूप में, दूसरा झटका। बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हुआ यहां पर विश्वास का, दो विकेट हासिल की उन्होंने और केवल 4 रन खर्च किए अपने ओवर में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अब देखना है तीसरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है, मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, समय के मामले में सहयोग करना है एनआर बोरपारा। नए बैट्समैन योगेश, अब दोनों ही योगेश पिच पर, ये देखिए धीरे धीरे पिच की ओर जा रहे हैं योगेश,
बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम, प्रिंस मूवीज, रवि गुलवियन कंपनी। इस स्पर्धा को आप जिंदगी में कभी भी देख सकते हैं, कोई भी मैच सिर्फ टाइप कीजिए महापुली ट्रॉफी 2016 यूट्यूब पर। संतोष नानेकर की देन। अब कपिल के हाथ में गेंद दी गई है, सामना करेंगे विश्वास सीनियर, नॉन स्ट्राइक पर है विश्वास जूनियर, योगेश सीनियर, योगेश जूनियर है सॉरी, योगेश सीनियर सामना करेंगे कपिल का। अच्छी गेंद विकेटों में आ रही थी, नीची बैकलिप से खेला है गेंद को, क्रॉस द लाइन, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और दोनों खिलाड़ी एक सिरे पर, और देखना है हम पर कौन से योगेश को आउट देते हैं। यस, योगेश सीनियर को आउट किया दिया अंपायर ने। इस एक रन से स्कोर 16 रनों पर पहुंचा। अब नए बैट्समैन केतन जा रहे बल्लेबाजी के लिए। केतन सामना करेंगे कपिल का। अच्छी गेंद, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बीट वे डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 16 रनों पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही इस वक्त गोरसाई, 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। इस बार स्वंग कर दिया है लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया बैकअप कैच जरूर छूटा, दो रन पूरे। पहले आ गया है फिर पीछे जाने की कोशिश, लेकिन कैच छोड़ दिया। कैच तो बालाजी कप में लिया था आलम ने, कैच को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन खुद गेंद को लेकर बाहर चले गए थे बाउंड्री लाइन के, और वहीं से बाहर का रास्ता देखा था विकी स्पोर्ट्स के सामने अहमद स्पोर्ट्स ने। पहली मर्तबा इस सीजन में उस टाइम अहमद का अच्छा परफॉर्म था बड़ी टीम के सामने। इस बीच गेंद केवल कट किया गैप के अंदर, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। इस चौके की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचा। के बाद अगला मुकाबला पारिवली स्पोर्ट्स और बीसीसी के बीच, जहां टॉस जीता है पारिवली ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है बीसीसी बोरियोली के सामने। इस बीच ये गेंद रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है। यस, रन आउट हो गए वहां पर बैट्समैन केतन। इस स्पर्धा के लिए बोरियोली से फॉर्मर क्रिकेटर इरफान मुल्ला जी ने ऑल द बेस्ट कहा है, कॉम्प्लीमेंट दिए और ऑल द बेस्ट कहा है बीसीसी बोरियोली को, जो इस वक्त टेलीविजन सेट पर इस मैच का मजा ले रहे हैं। बहुत सराहना की उन्होंने इस स्पर्धा की।
नए बैट्समैन राहुल आए, स्कोर इस वक्त 23 रन 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है जय बजरंग गोरसाई। इस बार फुल टॉस गेंद, स्वंग किया, फील्डर के हाथों में आउट। विश्वास के पास कैच थमा दिया लॉन्ग ऑफ पर और एक विकेट गिरता हुआ इस वक्त, और कठिनाइयां लगातार पीछा नहीं छोड़ रही इस वक्त जय बजरंग गोरसाई का। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 23 रन। अब देखना है चौथे और आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। अनिकेत को बुलाया गया, समय के मामले में सहयोग करना है एनआर बोर्ड पर। आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, समय के मामले में सहयोग करना है। अनिकेत को बुलाया गया है, इस बार पटकी हुई गेंद, हुक किया गेंद को, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। 27 रनों पर पहुंचा स्कोर, अभी भी 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 5 गेंदों में, और ये मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाजुओं को खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी। तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने, स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, 28 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बीच अगेन हुक करना चाहते थे, गेंद को पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, दो खिलाड़ी एक सिरे पर और रन आउट।
नए बैट्समैन नामदेव आए बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे। खराब गेंद लेके स्टंप से बाहर वाइट। अच्छे गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीटवे डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 30 रनों पर। अब केवल दो गेंदें बची और जीतने के लिए रन चाहिए। तीन गेंदों में 17 रन चाहिए। अच्छी गेंद रन जरूर पूरा कर रहे हैं वहां पर। लेग बाइस का इशारा अंपायर का। बहुत बढ़िया गेंद लहराती हुई बलकाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अच्छी गेंद और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया एनआर बोरपाला ने। कांग्रेचुलेशन बिंदास, कांग्रेचुलेशन एनआर बोरपाला एंड हार्ड लग। जय बजरंग गोरसाई। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है विश्वास। विश्वास बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही थी विश्वास द्वारा। चार रन देकर दो विकेट लिए थे तो मैन ऑफ द मैच विश्वास।